उड़ाई 38 बनाम 26 पर आई। विपक्षी महागठबंधन के लिए पूरी तरह से तैयार है, तो वहीं बीजेपी का यह दावा है कि वो सब पर भारी है। जी हाँ, बंगलुरु में विपक्षी दलों की दूसरी बैठक हो रही है। 2024 में बीजेपी को घेरने के लिए वहां मंथन किया जा रहा है। पीएम मोदी के खिलाफ 26 सियासी दल एकजुट हो रहे हैं, तो वहीं कल दिल्ली में एनडीए ने भी अपनी अहम बैठक बुलाई है। जेपी नड्डा ने दावा किया है कि एनडीए की बैठक में 38 सहयोगी दल शामिल हो रहे हैं। बैठक में 2024 के चुनाव के लिए बीजेपी का मंथन होगा। तो सवाल वही, बीजेपी के हुए दारा, एसपी को किस किस का सहारा, कमल के कुनबे में राजभर, अगला किसका नंबर। शुरू करेंगे डिबेट, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। चौबीस में एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप में एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बने। 24 की लड़ाई 38 बनाम 26 पर आई। तो 38 पार्टनर्स कल इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, जिनकी कंफर्मेशन आई है। पिछले 9 सालों में एनडीए का जो एक व्याप है वो बढ़ा है, स्कोप भी बढ़ा है। अब हमारे पास जो 24-26 लोग जो भी आते हैं, वो हम पार्लियामेंट में भी रहते हैं, बाहर भी रहते हैं, मिलकर भी रहते हैं, उनके 30 लोग कहाँ मिले थे मुझे तो। विपक्ष की तैयारी, मोदी पर कौन भारी। 24 के चुनावी चूल्हे की ख्याली खिचड़ी है वो खानदानी खुरचन से ज्यादा कुछ साबित नहीं होगी। योगी का दाम हिट, अखिलेश चित। चुनाव के पहले कांग्रेस और सपा उत्तर प्रदेश में एक हुई थी और एक प्रचार हुआ था कि जनता को ये जोड़ी पसंद है राहुल और अखिलेश जी की, लेकिन वो जोड़ी बिखर गई। उसके बाद बुआ भतीजे की जोड़ी बनी, वो भी बिखर गई। तो ये भी कौन लंबे दिन तक चलनी है। देखिए, बीजेपी को कोई परेशानी नहीं है इसमें, ये विपक्ष की एकता नहीं है, ये तो दावतनामा है। जिस दावतनामे के अंदर कोई पिताजी को लेके जा रहा है, कोई बेटों को लेके जा रहा है। एनडीए वर्सेस पीडीए की बात, 2024 की बिसात। विपक्षी एकता में बिखराव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो लगातार भ्रम फैलाया जा रहा था, उस भ्रम का जवाब आज उसको बेंगलोर में मिल जाएगा। अखिलेश को झटका, बिखर गया कुनबा। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी तीसरी बार प्रधानमंत्री, और आज मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में जो विकास का काम, जन कल्याण का काम, गरीब कल्याण का काम जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, मुझे पूरा भरोसा आने के साथ आज भारतीय जनता पार्टी का मैं सिपाही के रूप में आज मेरे घर वापसी हुई है। बड़ा उन्होंने खेल हमने चालू किया है, अब राजनीति का खेल शुरू किया हूँ, और प्रदेश नहीं देश की सियासत में वो भूचाल पैदा करूंगा कि आने वाला 27 के बाद 26 के बाद 27 आते आते आप देखिएगा कि हम कौन सा खेल करने जा रहे हैं। महाबहस के तीन राउंड के सवाल का, एक एक करके वो सवाल आपके सामने रखने जा रहे हैं जो आज हम अपने पैनलिस्ट के बीच में रखेंगे। मुकाबले से पहले बिखरने लगा क्या विपक्ष का कुनबा? उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से 2022 के गठबंधन के दल जो थे वो अपनी अपनी राह पकड़ते नजर आए, तो ऐसे में अब यूपी में कितना मजबूत है विपक्ष? सवाल यह भी होगा, विपक्ष के 26 पर एनडीए के 38 दल भारी। अब केंद्र स्तर पर इस पूरी स्थिति का आकलन किया जाए तो एनडीए की बैठक में 38 दल शामिल हो सकते हैं, यह दावा बीजेपी की ओर से है, और विपक्ष के स्पेशल 26 तो मंथन कर ही रहे हैं बंगलुरु में। और सवाल नंबर तीन ये कि बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक क्या 24 में सीधी चोट देगा विपक्ष के इस गठबंधन को? और चर्चा के लिए पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। हमारे साथ अनिला सिंह जी है, बीजेपी प्रवक्ता, दीपक रंजन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, प्रियंका गुप्ता जी हमारे साथ हैं कांग्रेस की प्रवक्ता, इसके अलावा अनिल दुबे जी जुड़ गए हैं आरएलडी के प्रवक्ता, और जेपीएस अरकवंशी है प्रवक्ता सुभाषपा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले रुख दीपक रंजन जी आपसे। आप लोग केंद्र स्तर पर बड़े गठबंधन में शामिल होने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप अपने ही सियासी क्षेत्र यानी उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं पिछड़ते नजर आ रहे हैं। बहुत से प्रयोग आपने किए, आपने बसपा के साथ गठबंधन किया, आपने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, आपने निषाद पार्टी के साथ गठबंधन किया, और सबका नतीजा सिफर रहा। अब एक बार फिर से 24 की कवायद है। दीपक रंजन जी,
देखिए आस्था जी, वैसे तो एनडीए ने भी बहुत से दलों से गठबंधन किया। आज शिवसेना से इनका गठबंधन था, शिवसेना कहाँ इनके साथ। इन्होंने जो है अकाली दल के साथ गठबंधन किया था, आज अकाली दल कहाँ इनके साथ। इन्होंने जनता दल यूनाइटेड के साथ गठबंधन किया था, आज जनता दल यूनाइटेड कहाँ इनके साथ। तो आज विपक्षी एकता की गठबंधन को देख करके पूरी तरीके से ये हैरान हो गए और बौखला गए हैं ये। और ये जो सत्ता पक्ष के लोग विपक्ष के पिच पर जो बैटिंग करना चाहते हैं, इनको शायद ये नहीं मालूम है कि एनडीए पर पीडीएफ पूरी तरीके से भारी हो चुका है। अभी आपने देखा होगा कि पिछले दिनों से, एक दो दिन से जो है, आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी और शायद दारा सिंह चौहान जी इनकी पार्टी में चले गए। देखिए मैं तो साफगोई से कहना चाहता हूं आस्था जी कि जो दिखे इधर का और काम करे उधर का, उसको चला जाना ही बहुत अच्छा है कि वो चला जाए। चलिए आपके पास से तो वो पिछले साल ही चले गए। आप कह रहे हैं कि उसका चला जाना अच्छा है, आपके साथ थे और वो पिछले साल ही चले गए। अब आपका तो चैप्टर खत्म हो गया, लेकिन बीजेपी ने उसको अपने साथ ऐड कर लिया, एनडीए ने सुभाषपा को अपने साथ ऐड कर लिया। आप चर्चा इस पर होनी चाहिए कि उसका खेमा कितना मजबूत हुआ, उन्होंने क्या आकलन किया या आपने क्या खोया या आपने क्या पाया, मुझे ये बता दीजिए। देखिए ओम प्रकाश राजभर जी को मेरी शुभकामनाएं, एक नई पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का गठबंधन उन्होंने जब छोड़ा था एनडीए को, तो उन्होंने यही कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, एनडीए की सरकार में जातीय जनगणना नहीं हो रही है, सामाजिक न्याय जो है वो रिपोर्ट उसकी लागू नहीं कराई जा रही है, दलितों शोषितों वंचितों पिछड़ों अति पिछड़ों के साथ राजनीति करते हैं। इस पर जवाब हम जेपी सरपंची से लेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिएक्शन अनिला सिंह जी से। अनिला सिंह जी, सपा की तरफ से एक बात सपाट कही गई कि पीडीए भारी है एनडीए पर। मेरा सबको राम राम। और अभी मैं सुन रही हूँ समाजवादी पार्टी के जो मेरे प्रवक्ता बंधु हैं रंजन साहब, वो कह रहे हैं कि पीडीए जो है वो एनडीए पे भारी है। क्या नामकरण हो गया? बेंगलुरु में जो बैठक हो रही है वहां तो मुझे कहीं पर भी पीडीए लिखा हुआ दिखाई नहीं दिया। यूनाइटेड वी स्टैंड ये जरूर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब अखिलेश यादव जी ने नामकरण तो जरूर कर दिया है, परंतु वो नामकरण की स्वीकारता मुझे तो दिखाई दे नहीं रही है। ये जो जितने भी राजनीतिक दल के मुखिया इकट्ठा हुए हैं बेंगलुरु में, आप स्टेप बाय स्टेप आप देखते चले जाइएगा। हमने 23 जून की भी बैठक में देखा था कि किसी चीज पर सारे के सारे जो राजनीतिक दल हैं सहमति देते ही नहीं है। कोई एक बात कहेगा तो दूसरा उसको काट देगा, चौथी बात कोई कहेगा तो तीसरा उसको काट देगा, ये हाल हो चुका है। तो आप सोच सकते हैं कि क्या ये इस प्रकार का गठबंधन जो है टिक पाएगा, जिसकी नींव ही इतनी बुरी तरीके से हिली हुई है, सारा मिलावटी सामान मिला हुआ है नंबर दो का। तो जब नींव इतनी बेकार है तो क्या उस पर इमारत खड़ी हो पाएगी? चलिए ठीक है, अनिल दुबे जी का रुख करते हैं। अनिल दुबे जी, वैसे तो आप बैठक में भाग ले रहे हैं पहले से ही, लेकिन 24 आने में अभी वक्त है, अटकलें लग चुकी है कि आप क्या कांग्रेस के साथ जा सकते हैं या फिर आप एनडीए में भी शामिल हो सकते हैं। साल दर साल आपका जो सियासी प्रभुत्व है वो भी सिमट रहा है जब से आप विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं। देखिए आस्था जी, हमारा राजनीतिक प्रभुत्व लगातार बढ़ रहा है। अभी नगर निगम के चुनाव हुए, स्थानीय निकाय के चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल को अच्छी जो है स्थिति दर्ज की राष्ट्रीय लोकदल ने। जो नगर निकाय थे उसमें भी गांव से हम शहरों की भी तरफ बढ़े, तो हमारे नेतृत्व के प्रति, हमारी पार्टी के प्रति जनता का विश्वास बढ़ा है और हम विपक्ष के साथ हैं। और विपक्ष की बैठक में आज हमारे नेता चौधरी जयंत सिंह जी शामिल होने के लिए बंगलोर गए हुए हैं और वो बैठक में शामिल हो रहे हैं, और हम विपक्ष को मजबूत करने का काम करेंगे। पूरे देश से भारतीय जनता पार्टी के खात्मे की शुरुआत हो चुकी है और वो जो शुरुआत हुई है वो उत्तर प्रदेश में भी कामयाब होगी। चलिए, आप दावा ये कर रहे हैं कि पूरे देश से भारतीय जनता पार्टी के खात्मे की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन आगे विस्तार से मैं आपसे जानूंगी कि आप किस बिना पे इस बात को कह रहे हैं। यहाँ तो तमाम विपक्षी दल जो मंथन करते हैं, पूर्व में भी बैठ के हुई है, बहुत सी बातों पे सहमति नहीं बन पाती, मसलन चेहरा किसका होगा। बहुत से ऐसे दल है जो राहुल गांधी या सीधे कांग्रेस की छत्रछाया के साथ चुनाव नहीं लड़ना चाहते। बहुत से ऐसे दल है जो गठबंधन के अंदर से भी एक सब गठबंधन पर काम कर रहे हैं। प्रियंका गुप्ता हमारे साथ है। प्रियंका जी, आप लोगों के स्पेशल 26, सबसे पहले तो आप लोगों से मतलब मेरा कांग्रेस पार्टी से नहीं है, क्योंकि वो तो विपक्षी दल भी मानने को तैयार नहीं है। विपक्ष के स्पेशल 26 और अब बीजेपी कह रही है कि एनडीए के 38 हैं, कैसे पड़ेंगे भारी? आस्था जी, एनडीए की अगर बात आप करेंगी तो कम से कम ये कहावत है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी। आप बताइए कि एनडीए ने इससे पहले कब मीटिंग की थी? नहीं की थी।
आज राहुल गांधी जी की जो लोकप्रियता है और विपक्ष की जो एकता है उसको देखकर एनडीए और भारतीय जनता पार्टी जिसको कहना चाहिए पूरी तरह से घुटनों पे आ चुकी है। अब ये नंबर दो की बात कर रही थी यहाँ पर जो बीजेपी की प्रवक्ता बैठी, अरे ये सही है ना, नंबर दो और मिलावट तो आप कर रही है, सरेआम कर रही है। आप जिसको भ्रष्टाचारी कह रही थी, 70 लाख का जो घोटाला, 1 लाख करोड़ का घोटाला कह रही थी, उनको तो आपने खजांची बना दिया, उनको आपने जो है फाइनेंस का पूरी मिनिस्ट्री दे दी। अरे मिलावटी तो आप है, भ्रष्टाचारी तो आप हो चुकी है, आपकी पार्टी तो वो भ्रष्टाचार धुल रही है जो कोई नहीं धुल पा रहा, रातों रात 52 घंटे में भ्रष्टाचार धुल जाते हैं आपकी पार्टी में। और किन एथिक्स पर ये बात कर रहे हैं, कौन से इन घटक दलों की बात कर रहे हैं? आपने तो आपने तो किसी का सम्मान भी नहीं किया अपने दंभ के कारण, अपने घमंड के कारण। और आपको जरूरत क्या पड़ गई, आप तो अकेले ही काफी है, आपकी तो 56 इंच की छाती थी, ठीक है, आज आपको क्यों पड़ी है? आज वो पार्टियां आपसे जो है नेगोशिएशन कर रही है जिनके पास 5 सीटों पर भी नहीं लड़ती है। तो अब अपनी स्थिति को पहले, अच्छा आप सुभाषपा की तरफ इशारा कर रही हैं, ठीक है रुक कर लेते हैं। अर्कवंशी जी हमारे बीच में, जेपी अर्कवंशी जी बताइए, वैसे तो आपकी पार्टी के लिए कहा जाता है कि कब कौन सी ट्रेन पे सवार हो जाए पता नहीं, लेकिन अब ये लग रहा है कि फाइनल डिसाइड किया है ना आपने 24 के लिए कि सत्ता पक्ष के साथ रहकर ही राजनीति करनी है। जी जैसे कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी ने बार बार पहले भी कहा था कि अगर बहन जी अखिलेश यादव के साथ आ जाती है तो वो स्वयं पहुंच जाएंगे मंच पर 2 घंटे पहले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तो हमें भी रास्ते देखने पड़ते हैं, हम कब तक आकर इंतजार करते। तो हमारी मुद्दों पर जिन पर सहमति बन पाई है उनको साथ लेके हमने भाजपा के साथ आने का फैसला किया है और पहले भी हम रहे हैं, तो जहां से गठबंधन टूटा था वहीं से आगे फिर से नई एक शुरुआत करेंगे। और जहां तक बात रही छोटे दलों की या बड़े दलों की, देखिए तभी अभी पिछले से पिछले लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि 47 केवल सीटें आई थी कांग्रेस की, और दूसरी चीज मैं बता दूं कि वो मुख्य विपक्षी दल बनने लायक भी नहीं थी, कम से कम 10% सीटें चाहिए होती है मुख्य विपक्षी दल बनने के लिए लोकसभा में। तो कांग्रेस को अपना अहंकार अब तो छोड़ देना चाहिए, सारे राज्यों से लगभग धीरे धीरे गायब होती जा रही। तो बाकी सपा ने जहां तक बात कही तो मैं उनको बता दूं कि भैया अभी तो आपके भी गठबंधन में इतने साथी थे, सब छिटक गए हैं धीरे धीरे, कोई बचा नहीं है, और आप दूसरे प्रदेशों में जाके गठबंधन की सोच रहे हैं जिनकी उत्तर प्रदेश में कोई बिसात नहीं है, लेकिन आपने ये भी सोचा बहन जी को साथ लाने का? पहले तो आप नाक रगड़ रहे थे, पैर छू रहे थे, लेकिन अब पता नहीं अचानक से ऐसा क्या हो गया, तो आप स्पष्ट करिए। और जहां तक बात, दीपक रंजन, जी जी आस्था जी, जी अर्कवंशी जी ने कहा कि पहले तो आप लोग नाक रगड़ रहे थे। आस्था जी अभी हमारी देखिए अभी हमारी आदरणीय बहन भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता जी अभी बता रही थी कि ये इन्होंने एनडीए के बारे में तो एक शब्द नहीं बोला, लेकिन विपक्षी एकता को लेकर के ये इतना ज्यादा हैरान और परेशान है ये। मैं आपके सम्मानित चैनल पे कहना चाहता हूं आस्था जी कि ये 38 नहीं 138 पार्टियों के साथ भी गठबंधन कर लेना तब भी विपक्ष का ये लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। और विपक्ष जो है, विपक्ष की बातें हुई दीपक जी, जैसे कि चुनावी मंचों पे कहा जाता है कि ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, इस बार आधी हमारी चलेगी, अरे आस्था जी आप सुनोगी, हवा में उड़ जाएगा, चुनावी भाषण नहीं चलेगी, बिल्कुल चलेगी। बीजेपी तो ये भी कहती है विपक्ष में धूले की बारात है, आप नहीं रोक पाएंगी शांति, आप ही शांति को नहीं रोक पाएंगी। नहीं मेरे रोकने से रोकने से क्या फर्क पड़ता है सर, मैं कौन होती हूँ रोकने वाली, बात ही नहीं आने दे रही है, मैं ये कह रही हूँ धूले की बारात ये कह रही है बीजेपी, मेरी बात आने दीजिए, मेरी बात आने देंगे, भाषण आप दे रही हैं तब नहीं, मैं भाषण नहीं दे रही हूँ, आपकी फैक्ट्स पर बात रखिए ना, बोलना शुरू करते हैं बताइए, बिल्कुल भाषण, आप जिन राज्यों में साथ मिलकर लड़ने की बात कर रहे हैं उसमें सीटों का फॉर्मूला क्या होगा, कौन किसके लिए कितनी सीटें छोड़ेगा, इस पर बात करिए। मेरी बात पूरी, अरे मेरी बात पूरी आने दीजिए जी, आप मेरी बात पूरी आने दीजिए, बोलिए। और भारतीय और विपक्ष का जो है गठबंधन आदरणीय सम्मानित जनता के साथ है, सम्मानित जनता विपक्ष के साथ है, और सामान्य जनता से बढ़कर के अगर इनका गठबंधन हो तो बता दें आज आपके सामान्य चैनल पे, या आस्था जी आप बता दीजिए कि सामान्य जनता से बढ़कर के इनका गठबंधन है, इन्होंने एनडीए के शब्द के लिए इन्होंने एक शब्द नहीं कहा, तो कितनी बौखलाहट है इनको, कितना परेशान है ये हमारी आदरणीय बहन भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता जी, वो तो साफ दिख रहा है इनसे,
चलिए ठीक है, क्या नहीं? अभी भी मेरे सवालों का जवाब दीपक जी आपने नहीं दिया। आपने जो चार पांच वाक्य कहे हैं उसमें अगर पार्टी का नाम बदल दिया जाए तो ये उसका चुनावी भाषण हो जाएगा, कभी आप उसका चुनावी भाषण बन जाएगा, बस पार्टी का नाम बदलना होगा। अभी भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। खैर ठीक है, अनिला सिंह आपको तो पहले ही चले जाना चाहिए था। अनिला सिंह जी, जी देखिए ऐसा है कि जो लोग यहां पर इकट्ठा हो रहे हैं आप इनका चरित्र देखिए, इनका चरित्र देखिए। कांग्रेस पार्टी दंगों की महारानी, कांग्रेस पार्टी भूल जाएंगे सिखों के दंगे, हम भूल जाएंगे बारंबार दंगे भूल जाएंगे। और सबसे लेटेस्ट मैं क्या बताती हूँ, नहीं तो 1947 से लेकर अब तक की अगर लिस्ट निकालने बैठगी तो पूरा कार्यक्रम का समय खत्म हो जाएगा। पर कांग्रेस के छत्र छाया में जो दंगे हुए हैं वो लिस्ट के नाम पूरे नहीं हो पाएंगे। 2013 में जो दंगे हुए थे किसकी कृपा थी? समाजवादी पार्टी की और कांग्रेस की कृपा थी ना। यहाँ पर जिस प्रकार के दंगे कराए गए हैं बंगाल में, जंगल राज को भूल पाएगा? अरे साहब आप क्यों इतना बेचैन हो रहे हैं? आप लोग रक्त चरित्र का, भ्रष्टाचारवादी, ये परिवारवादी, ये वंशवादी, ये आतंकवादी, आतंकवादियों के साथ खड़े होने वाले ये, और अपने आप कहते हैं यूनाइटेड वी स्टैंड। यस आपकी आइडियोलॉजी एक जैसी है, आपकी आइडियोलॉजी है एक एक करके बात रखिए आप लोग छोटा जाए, ये आपकी आइडियोलॉजी जी अलग से मौका रहने की बात रखने का। प्रियंका गुप्ता भी कुछ कहना चाह रही है लेकिन एक बार अनिला जी की बात पूरी होने दीजिए, अनिला जी की बात पूरी होने दीजिए ठीक है। प्रियंका गुप्ता उसके बाद दीपक रंजन, बोलिए प्रियंका जी बात बोल रही है। ठीक है, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ जिन्हें ये याद रहता है कि दंगे कब हुए थे उन्हें ये याद नहीं कि मणिपुर में क्या चल रहा है? मणिपुर जल रहा है, मणिपुर में लोगों की हत्याएं हो रही है, वहां पर आपकी स्थिति क्या है आपको पता है? आपने फोन करके पूछा है कभी? पता करने की कोशिश की है? नहीं करी, क्योंकि मणिपुर से आपको कोई लेना देना नहीं, वहां इलेक्शन नहीं है। जहां इलेक्शन है वहां से आपका सरोकार है, पर और किसी स्टेट से आपका सरोकार नहीं है। इसका भुगतान कौन भुगतेगा? आप भुगतेंगे, इसका भुगतान मणिपुर की जनता भुगत रही है। आपको यूएन में प्रस्ताव पास हो रहा है, आप सोचिए कि ये हमारे देश का आंतरिक मामला है। आज आपको समझ में नहीं आ रहा कि कितनी दयनीय स्थिति हो चुकी है कि देश की जो बड़ी समस्याएं हैं उसको विदेश में डिस्कस किया जा रहा है और उसके बावजूद भी आप नाम नहीं ले पा रही है मणिपुर का। यहाँ बैठकर जब पहलवान सड़कों पर थी घसीटी जा रही थी तब आपके दिल में दर्द, ठीक है आप बहुत सारे मुद्दों के बारे में अपनी बात रखना चाहते हैं, अलग अलग मंचों से रखते आए हैं, लेकिन हम डिबेट जिस पर कर रहे हैं बिछड़े बारी बारी, क्या विपक्ष के स्पेशल 26 एनडीए के 38 पर पड़ेंगे भारी या बीजेपी का इसे मास्टर स्ट्रोक कहा जाए उस पर बात करिए। क्या नीति है आपकी, क्या नियत है, किस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत सभी दल साथ आएंगे, मंथन चल रहा है बंगलुरु में उस पर बात कीजिए। प्रोग्राम है और ये प्रोग्राम है कि हम किस तरह से संविधान का जिस तरह से मजाक उड़ाया जा रहा है, जिस तरह से चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकारें तोड़ी जा रही हैं, पार्टियों को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, ईडी सीबीआई का जो इस्तेमाल किया जा रहा है उसको रोकने के लिए, जिस तरह से सिर्फ विपक्ष को घेरने के लिए किया जा रहा है। आप बताइए कि आप ईडी का जो डायरेक्टर है सुप्रीम कोर्ट कहती है कि उसकी बात नहीं गलत है। आप सवाल मतलब आप देखिए कि एक इंतहा होती है इनके जो है। ठीक है दीपक रंजन, दीपक रंजन जी जी आस्ते जी देखिए इनके एनडीए का जो है पहले फुल फॉर्म हुआ करता था नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, लेकिन अब नेशन से इनको कोई चिंता नहीं क्योंकि मणिपुर को अपने नेशन का हिस्सा नहीं मानते हिंदुस्तान का, तो अब इनकी पार्टी का इनकी गठबंधन का नाम कर देना चाहिए था नॉन डेमोक्रेटिक, क्योंकि डेमोक्रेसी कोई नाम की कोई चीज नहीं बची है एनडीए में। और जिस तरीके से ये लोग हैरान परेशान हैं और जिस तरीके से अपने भाजपा रूपी जहाज में लोगों को अब चढ़ाते जा रहे हैं, इतिहास गवाह आस्था जी डूबता हमेशा बड़ा जहाज है और इन्होंने अपने जहाज को इतना बड़ा कर लिया है कि 2024 मतलब में पूरी तरीके से डूबने जा रहा है और हम विपक्ष के लोग जनता बड़ा कर लिया है। आप मान रहे हैं कि सत्ता पक्ष ने अपना गठबंधन बढ़ा लिया है, आप कहां स्टैंड कर रहे हैं? 38 और 26 ये तो बाइफर्केशन आप कर रही है ना, हम तो जनता के साथ। जेपी नड्डा ने कहा है कि 38 दल शामिल हो रहे हैं, आप लोगों के 26 पहले से मंथन कर रहे हैं, तो मैंने सिर्फ सवाल पूछा कि वो स्पेशल 26 किस नीति, किस नियत, किस रणनीति के तहत अब बीजेपी को टक्कर दे, एनडीए को टक्कर दे। अगर आप फिगर में देखेंगे तो 38 दिख रहा होगा ना आपको, तो मैं इसीलिए कहना चाह रहा हूँ कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी का जहाज डूबने जा रहा है। विदेश में ले जाके वहां चर्चा करती है, वो देश के अंदर चर्चा नहीं करती है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो स्पेशल 26 इकट्ठे हो रहे हैं ये
वो भ्रष्टाचार का दलदल में डूबे हुए लोग हैं जिनके पीछे अभी कार्रवाइयां हो रही हैं और सजाएं हो रही हैं, इनकी पार्टी में या इनके परिवारों में या इनसे जुड़े हुए लोगों के तार। अजीत पवार के बारे में क्या ख्याल है? अजीत पवार के बारे में भी थोड़ा कार्रवाई करती है, उनके ऊपर क्या आरोप लगा रहे थे, अब उनके क्या दाग धुल गए? आज कल रात्रि में जो हंसी खुशी के प्रोग्राम होंगे, गाना बजाना होगा मेरी ख्याल से, ठीक है, कल वो देखेंगे कि कल क्या किया जा सकता है। इनके पास बहुत समय है, जनता, कई लोग ऐसे गए हैं जो सरकार चला रहे हैं, यहाँ पे बाढ़ आई हुई है दिल्ली में, उस पर जवाब पहुंच के आज रात्रि भोज करेंगे। कई झारखंड से गए हुए हैं, बिहार से गए हुए हैं, जहाँ पे स्थितियां अभी बहुत खराब चल रही हैं, और कोसी खंडक में बाढ़ आई हुई है, वहां का हाल छोड़ के वो मीटिंग करने गए हैं वहां पे, और वो भी एक दिन पहले, मतलब आज केवल रात्रि भोज होगा, आज कोई बात नहीं होगी। मेरे पास लास्ट एक मिनट बचे हैं, अनिल दुबे जी। अनिल दुबे जी, जी देखिए, अभी अर्कवंशी जी कह रहे थे कि बाढ़ का जिक्र कर रहे थे, उत्तर प्रदेश में न मवेशियों के लिए चारा है, न जो है चिकित्सा की सुविधा है, बाढ़ से लोग अस्त व्यस्त हैं, बाढ़ की तो उत्तर प्रदेश में बाढ़ से तबाही आई हुई है, कितने लोग परेशान हैं, जनता उसकी तो कुछ सुध ले लें, उसके बारे में भी तो कुछ बता दें। और जहां तक रही बात 26 की और 28 की, 26 ये कारवां बढ़ेगा इसमें, अभी और लोग जुड़ने जा रहे हैं, अभी ये कारवां जो बढ़ेगा, और इस जो बीजेपी के खात्मे की शुरुआत हुई है, ये बनने वाली नहीं है। ठीक है, आप कह रहे हैं बाढ़ से तबाही आई है यूपी के अंदर। अनिला जी, अनिला जी, जी हाँ, सही क्या मतलब? हाँ, ये विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि आपका प्रदेश की समस्याओं पर ध्यान नहीं है, इसीलिए इस तरह की आप लोग बात कर रहे हैं, यूपी में बाढ़ से तबाही आई हुई है। इनको बोलने दीजिए ना, इनके बोलने से क्या हो जाता है, तबाही तो इन लोगों के बीच में आ रखी है ना, परेशान है, हैरान है, कभी ये लड़का ये गाना गाते हुए पूरे उत्तर प्रदेश में घूमते हैं, लड़कों का साथ पसंद है, वो पसंद नहीं आता, जैन चौधरी जी कभी आते हैं कभी रुक जाते हैं साथ में, उनका पता नहीं चलता, कभी वो कभी साथ में आ जाते हैं फिर वो रुक जाते हैं और कसम खाते हैं हम कभी साथ में नहीं आएंगे। तो आप देखिए कैसे 3-13 तो ये उत्तर प्रदेश में ही हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश की हर समस्या का समाधान योगी आदित्यनाथ जी बहुत ही खूबसूरती से करते हैं, जानते हैं, पूरा भारत जानता है, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है, कोरोना के समय भी किस प्रकार से उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश को संभाला, किसने काम किया है, कौन जनता के साथ खड़ा है, इस पर आखिरी मुहर जनता ही लगाएगी, समय बहुत ज्यादा।
तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल यह है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।